किसी सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे रही है, तो जनता के मन में यही बात थी, तो क्या जहाँ पे बटन दबाया गया वो मशीन हटा के क्या दूसरी मशीन डाली जा रही है? और वो मशीनों के नंबर भी उत्तराखंड में पता चला कि बदल लिए गए हैं। बहुत सी इस तरह से गड़बड़ियाँ हुई। आरटीआई के माध्यम से, उनके वेबसाइट के माध्यम से 373 पोलिंग बूथ में, कंस्टिट्यूएंसीज में पता चला कि मिसमैच है वोट नंबर। जो पोल हुआ और जो रिजल्ट में दिखाया गया उसमें काफी भारी अंतर है। तो ये अंतर अपने आप में दिखाता है कि जहां जो वोट डाले गए और जो वोट गिने गए उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ये सारे सवालों का कोई जवाब नहीं। क्विंट में लगातार, जो मैगजीन है, लगातार इसका खुलासा किया जा रहा है। और अब हाल में सबसे बड़ा खुलासा ये है कि जो आईएएस ऑफिसर एक के बाद एक रिजाइन कर रहे हैं, कुछ आईएएस ऑफिसर के लोकतंत्र खत्म हो गया है देश में, बोलने की आजादी नहीं है, कश्मीर के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, वहां पे औरतें बच्चे मर्द सबके ऊपर जैसे बड़ा जेल खाना बना दिया है, और किस तरह से देश में ये बर्दाश्त हमें हो रहा है। तो कई आईएएस ऑफिसरों ने अपना रेजिग्नेशन देना शुरू किया। अभी एक आईएएस ऑफिसर ने कहा कि जब ये वीवीपैट आया, साथियों मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी और भी बहुत सारे देव सहायम जी, बहुत सारे लोगों ने पिटिशन डाले थे ईवीएम के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा, वही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी थे उस बेंच में, कि ये भरोसेमंद जरिया नहीं है और वीवीपैट होना चाहिए। वीवीपैट ऐसा होना चाहिए कि उसकी पूरी गिनती, जरा सा भी शक हो तो पूरे 100% गिने जाए, और ऐसा हो कि उसमें जो ट्रांसपेरेंट शीशा हो कि पूरा दिखाई दे कि क्या कहाँ वोट जा रहा है, और उसकी जो स्लिप है वो बाहर आए, वोटर के सामने बाहर आए और वो उसको डब्बे में डाल दे। ये सब तो किया नहीं गया। बहुत समय बाद जब तक उन्होंने ये शायद तरीका निकाल लिया कि वीवीपैट के ही जरिए हम मैनिपुलेशन और हैकिंग कर सकते हैं, 2013 में ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया, लेकिन सरकार ने वीवीपैट का पैसा रिलीज किया ही नहीं 2017 तक। यूपी असेंबली का इलेक्शन बिना वीवीपैट के किया गया और सबको शॉक हुआ। मैं यूपी से हूँ, मैं बहुत सारे हमारे जो वहाँ के लोग हैं, गांव में रहते हैं, जिलों में रहते हैं, उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता था जो रिजल्ट आया। सबको मालूम था कि क्या वहाँ पे किया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज ने, सिर्फ मायावती ने उसको उठाया था, बाकियों ने साथ नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से ये होता आया है कि ना वीवीपैट की स्लिप बाहर आ रही है और ना वो शीशा ट्रांसपेरेंट है, ना उसको 3-4 सेकंड से ज्यादा दिखाया दिया जाता है, पूरा काला शीशा है, फिर एक लाइट चलती, पता नहीं क्या हमको दिखा रहे हैं। और कई जगह जो दिखा है कि जहाँ वोट डाला है कहीं और चला गया, जैसे अभी एक साथी ने बताया बिहार से। तो साथियों ये सारे गड़बड़ियों के बावजूद, और ये पते की बात तो ये है, पूरी दुनिया में जितने एडवांस कंट्री हैं जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं, जैसे हमको बताते हैं लोग आप टेक्नोलॉजी के खिलाफ हैं, साथियों क्या जर्मनी टेक्नोलॉजी के खिलाफ है? क्या ये सारे देश जापान टेक्नोलॉजी के खिलाफ है? वो बड़े एडवांस देश हैं। और जर्मनी के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ऐलान कर दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, जबकि इतनी गड़बड़ियां पकड़ी भी नहीं गई। वहां 3 साल आंदोलन सड़कों पे चला और ये फिर पता चला, मतलब जब ये रूलिंग आई उसके बाद उन्होंने ईवीएम हटाया और वहां पे बैलेट पेपर से होता है। हमारे यहाँ भी जहां जहां पे बैलेट पेपर से हो रहा है भाजपा थर्ड आ रही है, बहुत आ रही है, मतलब बिल्कुल नीचे आ रही है, जीत नहीं रही है। जहां पे कर्नाटका में, जहां पे बीजेपी बहुत आगे के सारे रह गए जबकि अलायंस था कांग्रेस और जेडीएस में, लेकिन उसके तुरंत बाद जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन बैलेट पेपर से हुआ उसमें अलायंस कांग्रेस का और जेडीएस का नहीं था, उसके बावजूद भाजपा थर्ड थी, कांग्रेस नंबर 1, नंबर 2 जेडीएस और नंबर 3 भाजपा। तो क्या वोटर एकदम से उसको एलर्जी हो गई कमल के निशान से? और ये मैं नहीं मानती हूँ सिर्फ कि वोटर इतना होशियार है कि सेंटर में कहीं देंगे और स्टेट पे कहीं देंगे, थोड़े बहुत ऐसे हो सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी जनता एकदम मतलब जमीन आसमान का फर्क कर रही है, मानने को तैयार नहीं हुई। इसी तरह से राजस्थान में हुआ, इसी तरह से उत्तराखंड में हुआ, जहाँ जहाँ बैलेट पेपर से हो रहा है साथियों वहाँ बीजेपी बिल्कुल पीछे आ रहे हैं। हमारा जो अभी इलेक्शन हुआ, छोटा इलेक्शन है हमारा डूटा का, सिर्फ 10,000 टीचर है, लेकिन हमने कहा हर किस्म ईवीएम से नहीं होने देंगे, हमारा
कर दिया, तब हम सब खत्म हो जाएंगे, हारी है सामने हमारे। आप देख रहे हैं जो कश्मीर में हुआ है, जो आसाम में हुआ है, वो पूरे देश में होने वाला है, ऐलान हो चुका है। तो साथियों अभी हमें ये नहीं देखना, अभी हम जैसे जो भी ये सत्ताधारी पार्टी जो अभी है, इनको जो हटा सकता है उनके साथ मिलकर हमें करना है और उनको बताना है। और ये एकमात्र जरिया हमारा भी ये है, क्योंकि हमारा वोट छीन गया। अगर जनता का वोट मतलब ही नहीं रखता तो सत्ताधारी पार्टी कुछ भी करती रहेगी। तो वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को खत्म करके सारे आदिवासियों को बाहर कर रहे, लाखों को बेघर कश्मीर में चुकिया। और जो जिस तरह से यूएपीए एक्ट बदल दिया, किसी को भी टेररिस्ट बना के वो जेल में डाल सकते हैं, मतलब ये सारी चीजें शिक्षा को पूरी तरह से खत्म कर रही है। हम लोग उसी में इलेक्शन हम लड़े थे। अभी जो नया बिल ला रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें सारे पूरा 100% निजीकरण, हर कॉलेज अपना तय करेगा, या उसके रूल्स होंगे, सर्विस कंडीशन होंगे, कोर्सेज होंगे, फीस होगी, कुछ भी तय नहीं करेगी केंद्रीय सरकार। वो सिर्फ देखेगी ऊपर से कि पूरे का पूरा निजीकरण हो जाए, बिक जाए, नीलाम हो जाए सारे पब्लिक फंडेड कॉलेज यूनिवर्सिटी। इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। लेकिन साथियों अगर उनको लगेगा जनता पूरी आ जाए सड़क, लेकिन अगर जनता का वोट का कोई मतलब नहीं है तो क्यों सुनेंगे हमारी बात। तो सबसे पहले हमें ये ईवीएम हटाना है और देश बचाना है, बैलेट पेपर लाना है। बैलेट पेपर लाने से आज भी बहुत कुछ हमें करना पड़ेगा। ये लूटेंगे बैलेट पेपर को भी, लूटेंगे सब करेंगे, लेकिन तब सामने दिखाई तो देगा, ऐसा तो नहीं पीछे से पूरा हाईजैक हो गया। तो साथियों मैं अपनी तरफ से और जितना भी मैं कर सकती हूँ, यूनिवर्सिटी में हमें अभी तक इतना समय नहीं मिला, लेकिन हमें अब पूरी तरह से युवा के बीच में जाना है, यंग लोगों के बीच में जाना है, गांव-गांव में जाना है। क्यों इतने दिनों से हमारा अभियान चल रहा है तो इतनी सारी पार्टियां ऑपोजिशन पार्टी कुछ बोल क्यों नहीं रही है। हम देखते हैं कि वहां से इंडिविजुअल आते हैं, वो कहते हैं हम आपके साथ हैं। मेरे साथ किरण मालिया जी बैठी थी और उनके कांग्रेस के और भी कई साथी बैठे थे हमारा, जो 9 अगस्त को क्विट इंडिया के दिन क्विट ईवीएम भारत छोड़ो का हमारा जो रैली हमारी हुई थी, उस टाइम पे और पार्टियों के लोग आए, आम आदमी पार्टी के लोग भी आए, संसद आए, लेकिन हमारे जो लीडरशिप है वो कहाँ चले, वो चुप क्यों है। तो इसलिए साथियों हमें सोचना है कि किन लोगों को इस जमहूरियत के जाने से सबसे ज्यादा नुकसान होगा। वो है हमारे दलित, वो हमारे ओबीसी, वो हमारे अल्पसंख्यक, वो हमारे आदिवासी। अगर वो खड़े नहीं हुए, वो लोग जो समाज में परिवर्तन नहीं चाहते हैं, समाज में गैर बराबरी का फायदा उठाते आए हैं, हजारों सालों से उठाते जाएंगे, उनको इतनी परवाह नहीं है कि देश में डेमोक्रेसी रहे। वो माने या चाहे ना माने, कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन वो तरह तरह का लॉजिक देंगे, नहीं लेकिन वो तो 5% बूथ में जो गिना गया वीवीपैट को मैच कर गया। अरे वीवीपैट खुद मैनिपुलेट हो रहा है। हमारे जो आईएएस के ऑफिसर जो रिजाइन करे, उन्होंने कहा कि जब वीवीपैट आया, वीवीपैट यूनियन के जरिए जो अपलोड किया जाता है, जब नाम आ जाते हैं और अपलोड किया जाता है नाम आने के बाद, विड्रॉल के बाद, तो उसमें जो प्राइवेट लोग अपलोड कर रहे हैं वो किस तरह से जो प्रोग्राम लिखेंगे उसी के हिसाब से रिजल्ट आएगा। आप प्रोग्राम में लिख दीजिए कि हर दूसरा वोट हर पार्टी का इस पार्टी को जाएगा, बड़ा आसान है, सब जानते हैं जो आईटी में है। साथियों किस तरह से वीवीपैट के ही जरिए हमें धोखा किया, हमें हमारा धोखा किया गया है। मेरा मानना 100% भी गिन लो, हालांकि ये लोग डरते नहीं गिनवाने देंगे और नहीं गिनवाने दिया, लेकिन गिन भी लेंगे तो नतीजा हो सकता है कि हमारे मुताबिक ना आए, क्योंकि वीवीपैट को ही मैनिपुलेट कर दिया गया है। जो बुद्धिजीवी कहते हैं वीवीपैट गिन लेंगे तो सब काम ठीक हो जाएगा, वो अपने आप को बेवकूफ बना रहे या अपने क्लास मतलब जो प्रिविलेज है उनको उसके में बंद है, बंदी है, उसे निकल नहीं पा रहे और देख नहीं पा रहे हैं कि क्या हमारे देश में हो रहा है, क्या देखना चाहते नहीं है। इसलिए साथियों मुझे बहुत खुशी होती है आज की सभा में कि बहुत सारे बहुजन समाज के साथी इसमें जुड़े हैं और मैं अपने आप को आप में से गिनती हूँ। न्याय का मतलब है न्याय, उसमें ये नहीं कि जो हमेशा मतलब जो फायदा उठाते आए हैं, जो 1% 73% पूंजी के ऊपर कब्जा किए हुए हैं, वो कब्जा हमेशा चलता रहेगा, ये नहीं हो सकता डेमोक्रेसी में। साथियों जिनका देश है, जो 85% यहाँ पे है, उन्हें उठ के अपना हक अपने हाथों में लेना पड़ेगा
और बाबा साहब का जो सपना है हमें हर हालत में पूरा करना है, ये हमारा फर्ज है, हम सबका फर्ज है साथियों, हमें अपना संविधान बचाना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।